अस्सलाम वालेकुम मोबाइल वाले के साथ, मैं हूं आपकी होस्ट कुरत फातिमा। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए बड़ी डिफरेंट और न्यू वीडियो। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए एक नया कॉन्टेंट लेके आए। सो आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की पर्सनैलिटी से मैच होने वाले फ़ोन। सो बात करेंगे हम आज पर्सनैलिटीज़ पर भी और ऐसे कौन से फ़ोन हैं जो उनकी पर्सनैलिटीज़ के साथ मैच होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूवर, सबसे पहले जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगी उनको कौन नहीं जानता, वो हैं हमारी मीरा जी। मैं उन्हें मीरा नहीं कह सकती क्योंकि उनकी इज्जत का यही तकाजा है कि उन्हें मीरा जी कहा जाए। तो मीरा जी, अगर ये मेरी वीडियो देखें तो सबसे पहले तो मैं सलाम कहूंगी क्योंकि मैं उनकी खुद भी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ। और मैं बताती चलूँ कि ऑल्दो के मीरा की इंग्लिश के बारे में काफ़ी मीरा जी की इंग्लिश के बारे में काफ़ी बातें की जाती हैं कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन उनके बारे में अगर मैं अच्छी बात बताऊँ तो वो कभी भी ह्यूमिलेशन से या क्रिटिसाइज़ होने से घबराई नहीं है। मुझे लगता है कि वो हमेशा इम्प्रूव करती हैं, अपने आप को अपग्रेड करती हैं, तो ये उनकी पर्सनालिटी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो अगर बात करें कि कौन सा फ़ोन उनकी पर्सनालिटी को मैच करता है या सूट करता है तो वो है iPhone 5s। ऑल्दो कि ये पुराना फ़ोन है और थोड़े टाइम के लिए आया था, लेकिन इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये अपग्रेड होता रहता है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं और सबसे अच्छा फीचर यही है कि ये अपग्रेड किया जा सकता है क्योंकि एप्पल हर साल अनाउंस करता है इसकी कुछ फीचर्स जो कि अपग्रेडेबल होते हैं। सो हमने iPhone 5s को बहुत सोच समझ के इनके साथ मैच किया है। आप जानते हैं कि उनकी अंग्रेज़ी बड़ी इंप्रूव हो गई हुई है। पहले की वीडियो देखें और अब की वीडियो देखें तो क्या बात है, उन्होंने अंग्रेज़ी को बड़ा इंप्रूव किया है। तो इसलिए iPhone 5s को हमने उनके साथ मैच किया है क्योंकि iPhone 5s भी अपग्रेड हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की। तो वो मेरे पास हैं द मोस्ट हैंडसम सेलिब्रिटी ऑफ द पाकिस्तान और वो हैं फवाद खान। मुझे लगता है कि वो लाखों दिलों की धड़कन है। सो फवाद खान एक जेंटलमैन है और मुझे लगता है कि उनकी यही क्वालिटी है जो उन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। सो ऐसा है कि फवाद खान अपनी रियल लाइफ में भी एक स्मार्ट पर्सन है और बहुत जेंटलमैन है और उनका जो ये स्टाइल है वो मैच करता है S8 सैमसंग फ़ोन के साथ, क्योंकि जो सैमसंग की S सीरीज़ हैं वो उनकी वन ऑफ द बेस्टेस्ट सीरीज़ हैं आई थिंक, और बड़ी रिलायबल और सूटेबल सीरीज़ हैं। सो हमने जो मैच किया है फ़ोन उनकी पर्सनालिटी के साथ वो है सैमसंग S8। सो नेक्स्ट सेलिब्रिटी जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है गाइस मायरा खान। मायरा खान को कौन नहीं जानता, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत फेम हासिल कर लिया और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आई थिंक पूरी दुनिया में उनका एक नाम है मायरा खान का। मायरा खान की जो क्वालिटी जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ या सबसे अच्छी क्वालिटी उनमें ये है कि वो बहुत ओपन है पब्लिक के साथ। वो अपने डिसीजन अपनी चॉइसिस को हिडन नहीं रखती हैं, वो पब्लिक के सामने ही बताती हैं, ये शेयर करती हैं कि मैं ये करने जा रही हूँ या ये मुझे अच्छा लगता है या ये मैंने करना है। तो ये क्वालिटी जो है उनकी सबसे मेन क्वालिटी है। और अगर हम उनके साथ फ़ोन मैच करें जो कि उनकी इस क्वालिटी को मैच करता है तो वो है हवावे Mate 10, जो कि हमारा फर्स्ट एवर फ़ोन है जो कि AI चिपसेट पावर्ड फ़ोन है। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये फ़ोन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद कर सकता है, लाइक ओपन टू डिसीजंस है हम कह सकते हैं। तो इस वजह से मायरा खान की पर्सनालिटी के साथ जो फ़ोन मैच हम लोगों ने किया है वो है हवावे Mate 10, जो कि उनकी पर्सनालिटी को सूट करता है। सो व्यूवर्स, नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में मैं एक गाना गाऊंगी और आप लोग गेस करेंगे कि वो कौन सी है। छन्नों की आंख में एक नशा है, गालों पे उसके तिल का निशान है। सो यस गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। सो मैं बात कर रही हूँ अली ज़फ़र के बारे में। अली ज़फ़र की पर्सनालिटी के बारे में अगर बात करूँ तो वो कॉम्बो हैं इंटेलिजेंस का, लुक्स का, और सबसे बढ़कर उनकी आवाज़ ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी धूम मचाई और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि 90s के जो किड्स हैं मेरे ख्याल से अली ज़फ़र उनके बड़े फेवरेट रहे हैं। और उनकी पर्सनालिटी के बारे में स्पेशलिटी ये है कि ऐसा लगता है कि वो हमेशा
हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि उन मूवीज में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है. उनका जो करेक्टर रहा है, इवन तीफा इन ट्रबल उनकी एक बहुत अच्छी मूवी थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. सो अगर हम फ़ोन की बात करें कि कौन सा फ़ोन उनकी पर्सनैलिटी को मैच करता है, तो वो मैंने चूज़ किया है iPhone 7, जो कि कॉम्बो ऑफ द ग्रेट थिंग्स लेकिन हाईली एफिशिएंट फ़ोन है. उसमें हर चीज़ पाई जाती है जो कि एक एप्पल फ़ोन से हम डिमांड कर सकते हैं. सो व्यूवर्स, ये तो मैंने बात की अली ज़फ़र के बारे में, जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं, मेरी बहुत फेवरेट हैं और जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो हैं सजल अली. सजल अली एक बहुत स्मार्ट एंड कूल पर्सनालिटी है और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और उनके एक्टिंग स्किल्स आर वेरी वेरी गुड. लाइक मुझे उनके ड्रामास देखना, जो पाकिस्तानी सीरियल्स वो बनाती हैं, पर्सनली बहुत पसंद है और मैं शौक से देखती हूँ. अब जो उनकी मेन पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ, जो कि आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे, वो ये है कि वो अपनी एज से बहुत छोटी नज़र आती हैं. मुझे उनकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि वो 28-29 की हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लगती. उन्होंने शायद अपने आप को ऐसा रखा हुआ है या वो लगती ही छोटी हैं. उनकी इस क्वालिटी को मैच करते हुए जो फ़ोन मैंने चूज़ किया है वो है iPhone SE, जो कि सिर्फ 4 इंचज़ का एक फ़ोन है. छोटा फ़ोन है, जो कि उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग छोटा सा है, लेकिन अंदर सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो कि आप डिमांड कर सकते हैं एक एप्पल डिवाइस से. सो आई थिंक iPhone SE जो है वो सजल अली की पर्सनालिटी को बहुत बेस्ट मैच करता है. सो व्यूवर्स, ये बात की मैंने सजल अली के बारे में. जो नेक्स्ट मेरे पास पर्सनालिटी है, यूनिक, डिफरेंट एंड गेम चेंजर, वो है आतिफ असलम, जो कि लाखों लड़कियों का मेरे ख्याल से क्रश रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बहुत सारी लड़कियों के क्रश हैं. और उनको गेम चेंजर मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में बहुत चेंज डेवलप किया है. वो यूनिक और डिफरेंट हैं क्योंकि वो हर चीज़ को बड़ा यूनिकली हमारे सामने लेके आते हैं. तो अगर उनकी पर्सनालिटी में मैं फ़ोन मैच करूँ तो वो है हमारे पास iPhone X. iPhone X जब आया था हमारी इंडस्ट्री में, तो वो एक बड़ा गेम चेंजर फ़ोन था, कि वो बड़ा चेंज लेके आया iPhone की डिवाइसेस में, कि वो एक यूनिक फ़ोन था विद वेरी डिफरेंट फीचर्स और बड़ा डिफरेंट और यूनिक फीचर्स के साथ वो आया था. जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ कि आतिफ असलम की पर्सनालिटी को जो फ़ोन मैच करता है वो है हमारे पास iPhone X. सो ये थे कुछ यूनिक फ़ीचर्स आतिफ असलम के बारे में. जो अगली सेलिब्रिटी के बारे में मैं बात करने लगी हूँ, मेरे ख्याल से उसको बच्चा बच्चा जानता है, गांव के लोग भी उसको बड़े अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उनका एक बहुत फेमस शो जीतो पाकिस्तान हर घर में चलता है, स्पेशली रमज़ान में अफ्तारी के बाद. मेरे ख्याल से पूरी फैमिली इकट्ठी होकर बैठती है और जीतो पाकिस्तान देखती थी. मेरे घर में भी ये सिलसिला होता था और घरों में बैठे बैठे ही जो है वो ख्वाब देखते थे कि कोई गाड़ी जीत जाए, कुछ ये जीत जाए. ये बातें बताने का मकसद व्यूवर्स आपको ये था कि जो फहद मुस्तफ़ा है, ये शो करके बहुत फेम बहुत शॉर्ट टाइम में हासिल की, और इसके साथ ही उन्होंने जो मूवीज़ की हैं, जवानी फिर निहानी 2 उनकी मूवी एक बहुत अच्छी है, और उसमें वो बहुत अच्छे एंटरटेनर बने हुए हैं. सो फहद मुस्तफ़ा के बारे में मैं कहूँगी कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, शोमैन एंड अ वेरी गुड इंटरटेनर 2. सो उनकी पर्सनैलिटी पर जो फ़ोन सूट करता है वो हमने चूज़ किया है 1+5 फ़ोन. अब मे भी बहुत सारे लोग इसको ना जानते हों, ये एक लोकल कंपनी OnePlus कंपनी का फ़ोन है. सो ये फहद मुस्तफ़ा पे क्यों सूट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि फहद मुस्तफ़ा ने कोई इंटरनेशनल शो नहीं किया, कोई उन्होंने इस तरह की फिल्म नहीं बनाई या शो नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रह के ही इतना फेम हासिल किया. उनको पाकिस्तान का हर बंदा जानता है, इसलिए मैं उनकी पर्सनैलिटी के साथ जो फ़ोन मैच करूँगी वो है 1+5, जो कि एक अफोर्डेबल और सस्ता फ़ोन है. और ये बहुत जल्दी जो है वो यूज़र्स के दिलों में घर कर गया था. जब ये आया था तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था. सो इसलिए फहद मुस्तफ़ा की पर्सनालिटी पे जो फ़ोन सूट करता है वो है 1+5. सो व्यूवर्स, लास्ट पे मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ वो तो कमाल है और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बहुत नामवर बंदा है जिसको आप सब लोग जानते होंगे, वो हैं आमिर लियाकत साहब. और आमिर लियाकत के बारे में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने हर फील्ड में बड़ा नाम कमाया है, चाहे वो शादी की फील्ड है, चाहे वो शोज़ हैं, चाहे वो इस्लामिक शोज़ हैं, इंटरटेनमेंट है, हर फील्ड में आई कैन से कि वो हर फन मौला बंदा है, कि हर फील्ड में ही वो छा जाता है. और अभी सुनने में आया है कि वो कोई पाकिस्तानी बिग बॉस टाइप शो बना रहे हैं, जो कि बोल हाउस के नाम से आएगा, और आजकल वो उस पर काफ़ी मसरूफ दिखाई देते हैं. इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि आमिर लियाकत खबरों में रहने का हुनर भी खूब जानते हैं, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टांग फंसाई होती है. तो आमिर लियाकत मुझे लगता है कि हर फन मौला है. और इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि ऑल्दो के उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि लोगों ने डिसलाइक भी की, फिर भी अब वो जानते हैं कि उन्होंने ऑडियंस
उसके दिल कैसे जीतने हैं, और आज भी वो बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशन और बहुत सारे शोज़ में आते हैं और लोग उनका शो देखते ही देखते हैं। सो उनकी पर्सनैलिटी पर जो फ़ोन मैच करता है वो हमारे पास है क्यू मोबाइल नो M95। ये फ़ोन मैंने क्यों चूज़ किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि ये फ़ोन अफोर्डेबल भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई ड्रीम फ़ोन है, लेकिन फिर भी लोग इसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आमिर लियाकत हैं कि ना चाहते हुए भी लोग उन्हें पसंद कर ही लेते हैं, उनके शोज़ देख ही लेते हैं। तो इसी तरह क्यों मोबाइल नोर M95 भी एक ऐसा फ़ोन है जो कि अफोर्डेबल है, सस्ता है, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। सो आई थिंक उनकी पर्सनैलिटी पर यही फ़ोन बेस्ट सूट करता है। सो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि सेलेब्रिटीज़ को कौन से बेस्ट फ़ोन मैच करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर्सनालिटी पे ये वाला फ़ोन नहीं, कोई और फ़ोन सूट करता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी कमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्द ही हमारा लकी ड्रॉ आने वाला है, और जो बंदा कमेंट कर रहा है और जिसके ज़्यादा कमेंट हमें रिसीव हो रहे हैं उसका नाम डेफिनेटली लकी ड्रॉ में डाला जाएगा, और आप जीत सकते हैं कैश प्राइजेस, डिफरेंट फ़ोन्स। और इसी के साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करें लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।